जिले के देवगढ़ थाना पुलिस ने रात्रिकालीन गश्त के दौरान कार्यवाही करते हुए एक कार से 285 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया, लेकिन इस दौरान आरोपी अंधेरा का फायदा उठाकर फरार हो गए। थानाधिकारी छवि लाल मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल के द्वारा अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा संदीप सिंह के मार्गदर्शन में रात्रिकालीन गश्त के दौरान एक कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक वाहन नहीं रोका, कार को मुख्य सड़क से कुटघट रास्ते की तरफ तेज गति से भगा कर ले गया, जिसका पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार की तलाशी ली, इस दौरान कार में परिवहन किए जा रहे अवैध अफीम डोडा चूरा को जो 19 कट्टे में भरा हुआ था, जिसका वजन 285 किलोग्राम हुआ, डोडा चूरा को जब्त कर अफीम डोडा चूरा परिवहन में प्रयुक्त कार को जब्त किया गया, लेकिन यहां दो आरोपी अंधेरा व जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने NDPS एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। इस दौरान थानाधिकारी छविलाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल कमल कुमार, कांस्टेबल लालू राम, संदीप, अर्पित, नीलेश मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से दिलीप सेन की रिपोर्ट।